हेलो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे अपने YouTube को ओपन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से नो कनेक्शन लिखा हुआ प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब भी मैं YouTube को ओपन करता हूँ तो मेरे को इस तरीके से नो कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है। तो गाइज़, ये जो प्रॉब्लम होता है वो बेसिकली एक नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। अगर आपके फ़ोन पर नेटवर्क नहीं रहता है तब आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन पर नेटवर्क को चेक कर लीजिए। और गाइज, अगर आपके मोबाइल का डेटा भी अगर बंद रहता है तो भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो आप लोग अपने मोबाइल के डेटा को भी देख लीजिए कि आपके फ़ोन पर ऑन है कि नहीं है। अगर उसके बाद भी दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तब यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से यूट्यूब लिख के सर्च करना है। यहाँ पे आप लोग यूट्यूब लिखिए। यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल डेटा का जो ऑप्शन आ रहा है उसको आप लोग इनेबल कर लीजिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और एक बार गाइज, आप लोग अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाके यूट्यूब एप्लीकेशन को जो है अपडेट कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।